ये अकीदा अपने जहन में पक्का कर लें कि रिस्क देने वाला अल्लाह और सेहत देने वाला अल्लाह, इज्जतें और जिल्लतें अल्लाह की हिकमत का तकाजा है। अपनी ज़िंदगी के अंदर अकायद की मजबूती पैदा करें। आपको पता है सहाबा को सबसे ज़्यादा तकलीफें किस बात पर दी गई थी? कोई उनका सियासी झगड़ा ही नहीं था उस वक़्त, तो कोई सियासी बात ही नहीं हो रही होती थी, और जिहाद का अभी टाइम ही नहीं आया था, अभी मुसलमानों ने तो तलवारें नहीं उठाई थी, मक्की दौर था। सबसे ज़्यादा सहाबा को जो सजा दी जाती थी ना, वो इस बुनियाद पर दी जाती थी कि अपना अकीदा बदल दो। अकायद से बरगश्ता करने के लिए, अकायद छुड़वाने के लिए। आज लोगों ने बड़ा सस्ता समझ लिया है अकायद और नज़रियात को, जो भी आता है जिस तरह का भी आता है। लोग कहते हैं जनाब देखो तो सही कितनी मुलम्मा साजी से बात करता है, कितना फ़लसफ़ा बयान करता है। ओ खुदा के बंदे, तेरा ईमान लूटा जा रहा है। वाला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहना चोरों की। यहाँ तो लोग हमारे अकायद को तबाह कर रहे हैं सहाबा और अहले बैत के बारे में, हुजूर की निस्बतों के बारे में, और हमें फिक्र नहीं है। इतनी दूर ले जाया जा रहा है, इतना फिक्री इंतशार और इतनी गलीज बातें माज़अल्लाह ज़हनों में उतारी जा रही। खुदा रा कुछ थोड़ी तवज्जो करें, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हुआ करती, थोड़ा सा ना। वो किसी ने कहा था, यूं चले आओ ना बरछी तान कर, अपना बेगाना ज़रा पहचान कर। और किसी ने कहा था, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, कुछ पहचान पैदा कर। लबासे खजर में यहाँ सैकड़ों राहजन भी फिरते हैं। अकीदों की पुख्तगी, नज़रियाती पुख्तगी, सिराते मुस्तकीम पर इस्तकामत बहुत बड़ी ज़रूरत है। हज़रत माज़ इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं जब सफ़र के लिए जाने लगा तो मैंने अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे को नसीहत कर दें। तो अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना। मैंने फिर अर्ज़ की, हुज़ूर कोई और नसीहत कर दे। तो महबूब फरमाने लगे, कहीं कोई कमज़ोरी हो जाए ज़िंदगी में, सुस्ती रह जाए तो अपने रब से इस्तिग़फ़ार करना। मैंने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह को नसीहत कर दें। तो कहते महबूब ने आखिरी बात की और तय कर दिया मेरे लिए सफ़र का वो रास्ता। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे कि अपने इखलाक को अच्छा कर लो, और दूसरा अपने दीन पर, इस्लाम पर इस्तकामत इख्तियार करो। अपने अकीदे के मामले में कभी कमज़ोर ना पड़ना, दीन पर, इस्लाम पर इस्तकामत इख्तियार करना, कच्ची पक्की बातें ज़िंदगी में न करना।